के बाद यू गॉट सो मेनी हेट और यू नो सबके साथ एक एक्सेप्टेंस होती है जिसे माने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पा भी नहीं पाते, बट यू डिड योर बेस्ट एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप इस शो का हिस्सा बनी और इसके बाद भी आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया। अब नीड नहीं है बट थैंक्स टू हर ऑल्सो बिकॉज उसने यास्मीन को एक यू नो जिंदगी दी, एक कैरेक्टर को अच्छा बनाया, सो थैंक्स टू हर ऑल्सो एंड एवरी वन माई मॉम जिन्होंने एक अच्छा इतने अच्छा प्रोजेक्ट किया, हाँ कह दिया, ज्यादा बजट में इशू नहीं किया बट यार एंड उत्कर्ष भैया, वैद भैया, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है मैं उनके लिए चाहता हूँ सब लोग दिल से हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे और सौमिता जी, नितिका जी जो धोखा दिया ना आपको बट हाँ लेकिन लेकिन बहुत 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 अच्छा किया आपने और हमारे प्लीज आइए आप सब प्लीज थैंक यू सो मच सर। मैं पर्सनली आप सबको थैंक कहना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचा और मुझे उस काबिल समझा कि मैं सदा बेटी कैरेक्टर को कहीं ना कहीं जस्टिस दे पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना मैं रो दूंगा और मैं रोना नहीं चाहता बिकॉज ये जर्नी ऐसी रही है जिसमें सिर्फ मुझे अच्छी चीजें देखने को मिली है, इतनी पॉजिटिव वाइब, इतनी पॉजिटिव वाइब और सबके चेहरे में मुस्कुराहट रहती है। स्पॉट दादा से लेके सब लोग अपना काम इतना अच्छा करते हैं, स्पॉट दादा, नाइट दादा, अरविंद तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था और जिसको हमेशा मिस करेंगे क्योंकि जाते ही शो बनता है बट सब लोग स्पॉट दादा, आप सब ने जो मेहनत करी है हमेशा, जब दिनेश भाई नहीं रहते तो वो हमेशा आके मेरे से पूछना कि आपने पानी पिया या नहीं पिया, हर जगह नहीं हो पाता। तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा नहीं बोलता कि इनका एटीट्यूड होगा या इनका ईगो होगा, हम इनके पास नहीं जाएंगे, बट सबने मुझे अपने बच्चे की तरह शो में पाला है। सो थैंक यू सो मच मुझे इस तरह पालने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए एंड यस इट्स टाइम टू एंड। हमेशा मुझे याद रहेगा अलादीन और आई होप आप सबको भी याद रहेगा अलादीन। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे इस चीज से बहुत प्राउड फील होता है, मैं यू नो अशोका करने के बाद मैं हर जगह बोलता था अशोका किया है, अशोका किया है और उसके बाद मैंने पीछे बहुत सारे शो की तो कभी मुझे वो हिट नहीं किया, बट नाउ आफ्टर दिस शो आई कैन एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी जाके बाहर बोलेगा कि मैंने अलादीन में काम किया तो प्राउड नहीं बोल पाएगा बिकॉज ऑफ एवरीबडी था। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। आइए कुछ शब्द पेश करें।
बाद भी मुझे जो वाइब्स मिली लोगों से, जितना ज़्यादा लोग डेडिकेटेड थे यहाँ पे अपने काम को लेके, वो बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही प्यारी थी। मेरी जर्नी बहुत लंबी नहीं रही है बाकी सबकी तरह, पर वो छोटी सी जर्नी को इतना ज़्यादा ब्यूटिफुल बना दिया ईच एंड एवरीबडी। सब लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर मुझ पर बहुत मेहनत की और मैंने यहाँ लोगों से बहुत बहुत कुछ सीखा। आई रियली डोंट नो व्हाट एल्स टू से। मैं बस सबको, सबको इंक्लूडिंग एवरीबडी, मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मुझे चांस देने के लिए भी थैंक यू, थैंक यू, और मुझे एक्चुअली मनाने के लिए कि मैं यहाँ करूँ, थैंक यू सो मच, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। द ग्रेट गैंगलर हमारे जीवी जी, आइए आइए रसूल जी, आइए कुछ आइए। भाभी जी, अरे भाई निसार सर, थैंक यू सो मच, गुप्ता सर थैंक यू सो मच, सच में यार आशीष मैं भी कोई इतना अच्छा स्पीच नहीं दे पाता, स्पीच नहीं, बस ये दिल की बात है कि जो लोग कहते हैं कि जो यूनिट फैमिली की तरह रहती है वही जबरदस्त करती है ना, आई थिंक फैमिली मिली, आमिर भाई में बड़ा भाई मिल गया, सिद्धार्थ में हो चुका है, आशीष में बहुत अच्छी दोस्त मिल गई, अमन काजी मिल गए, एंड प्रोडक्शन इतना अच्छा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आज ही जाए और खुद खुश को बता रहा था कि शो मस्ट गो ऑन, सो अभी शायद कुछ एक लास्ट शॉट बचा है और शिफ्ट पड़ने वाली है।
तो लेट्स डू दिस मैन एंड थोड़ा दबा लेते हैं, ठीक है? थैंक यू गाइस, लव यू ऑल. Hello.